गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एमआईएस की प्रिपरेशन मेथड अच्छे से सीख ली थी। ठीक है बेटा, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से सीखो, क्योंकि बेटा उसी से रिलेटेड ये जो आगे लेक्चर आगे जो टॉपिक्स होंगे वो रिलेटेड होंगे उससे। तो ऑर्गेनिक, जैसा कि मैंने बताया बेटा कि ऑर्गेनिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप जैसे जैसे आप पीछे का रिवाइज करते रहिए तो ऑर्गेनिक ऑटोमेटिक आपका समझ में आ जाएगी। जैसा कि बेटा बोला गया है कि आपको एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा वेटेज जो रखता है पोर्शन वो ऑर्गेनिक का ही रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक बहुत सिंपल सी है बेटा, अगर आपने एक बार मैकेनिज्म समझ गए और रिएक्शन समझ गए, बार बार वही घूम घूम के रिएक्शन आती है, बस नेम रिएक्शन में थोड़ा सा चेंजेस आता है। ठीक है ना, वो एक बार उसको देख लोगे तो हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है बेटा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हर एक चीज को आप जो है एक बार रिवाइज करते रहो। भले आप क्या करो, आप ज्यादा ना देखो, लेकिन उनको पेज को पलटते रहो कि किससे क्या बनता है। बात समझ रहे हो कि जैसे मैंने तुमसे बोला अल्कोहल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दो जो पॉइंट है इन पे ज्यादा फोकस रखो। हर एक रोज कम से कम एक बार तो हर एक टॉपिक को रिवाइज करो, क्योंकि रिएक्शन जितना आपको याद रहेगी उतनी ऑर्गेनिक आपकी क्या रहेगी बेटा, स्ट्रांग रहेगी। किसी ना किसी तरीके से आप प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लोगे, फाउंड कर लोगे। इसे पूछा जाए कि एथेन से मेथेन बनाओ, तो अगर आपको सारी प्रॉपर्टी, सभी की केमिकल प्रॉपर्टी, सभी की जो है प्रिपरेशन मेथड याद है, तो आप इजीली हर एक चीज को कर पाओगे। ठीक है ना, तो बस आपका टॉपिक खत्म होने वाला, ऑर्गेनिक चैप्टर जो ऑर्गेनिक पोर्शन है वो खत्म होने वाला है। एक दो तीन दिन में खत्म कर देंगे ये टॉपिक पूरा। तो बस आपको आराम से क्या करना है बेटा, बस धीरे धीरे आपको करते रहना है, धीरे धीरे करते रहना है। ठीक, हर एक टॉपिक को जितने से आराम से आपको करोगे उस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि बेटा हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं उस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या है। सबसे पहले तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये आएगी, अमाइंस का नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ अमाइंस। पहला पॉइंट लिखोगे बेटा, नेचर ऑफ अमाइंस, अमाइन का नेचर कैसा है, और अमाइन टाइप कितने की, तीन टाइप के अमाइंस होती है बेटा, बोलो कौन कौन सी होती है। प्राइमरी अमाइन होती है, इसको RNH2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये प्राइमरी अमाइन है बेटा। ठीक है, फिर कौन सी आती है, R1, इधर R2 लगा दो, इधर एक H, ये कौन सी हो गई बेटा, सेकेंडरी अमाइन हो गई है। टर्शियरी में क्या होगा, R1, R2, R3, इसके पास नो हाइड्रोजन, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, अल्फा नहीं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे बताओ पहले मुझे, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बताओ बेटा। यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे सेकेंडरी अमाइंस ये कहते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको टर्शियरी अमाइन कहेंगे। ठीक है ना, तो नेचर आप लोग देख रहे हो बेटा कि हर एक नाइट्रोजन, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शियरी हो, हर एक अमाइंस पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और अकॉर्डिंग टू बेटा किसके, लुईस साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, वो क्या कहते थे कि जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो क्या कहलाते हैं, वो बेस कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, वो बेस कहलाते हैं, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
are present on central atom. अगर सेंट्रल एटम पे क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो बेस, तो क्या होगा बेटा वो चीज क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। अगर सेंट्रल एटम पे क्या हो रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। तो अमाइंस क्या होंगी, अब अमाइंस पे सेंट्रल एटम कौन सा हुआ, ये नाइट्रोजन हुआ बेटा, बोलो नाइट्रोजन हुआ। तो नाइट्रोजन क्या हुआ, बेस, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होती है अमाइंस, जनरली क्या होंगी, बेसिक इन नेचर होंगी। तो यहां पे लिख लोगे स्टार बना के, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। अब इसको बेसिक को चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किसी मिनरल एसिड से करा देते हैं, ठीक है ना, इससे कराएंगे बेटा मिनरल एसिड से। तो एसिड और बेस की रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, बोलो, वो हो जाएगी सॉल्ट को फॉर्मेशन करेगी, करेगी कि नहीं करेगी बेटा, बेटा तो तभी तो क्या होगा, देखो फॉर चेकिंग बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस रिएक्ट विथ मिनरल एसिड, जैसे कौन से हो गए, HX हो गए, HX में कौन से आ गए, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, etc, ठीक है ना। इन सब से अगर आप कराओगे किसी भी मतलब बेस की रिएक्शन इन एसिड से कराओगे तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, तभी आप पहचान पाओगे कि भाई उसके अंदर कैसा नेचर है। तो क्या करोगे आप, इसकी रिएक्शन जो अमाइंस की रिएक्शन है बेटा वो किसके साथ करा दोगे बताओ, जैसे मैंने HX के साथ करा दिया, बोलो HX करा दोगे तो क्या होगा बताओ। अब आपको पता है ये बेस लोन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसके पास क्या होता है H प्लस और X माइनस होता है, ये वाला, ठीक है ना, एसिड H प्लस होता है ना बेटा, H प्लस देता है, यहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और कमी को क्या करेगा ये इस पर अटैक करेगी, लोन पर इलेक्ट्रॉन नहीं नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक कर देगा, नाइट्रोजन क्या आ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए टोटली, बोलो चार बना लिए, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा पॉजिटिव का, और पॉजिटिव का चार्ज आ गया मतलब क्या हुआ, उसके पास एक्स माइनस के रूप में कलेक्ट हो जाएगा, यही क्या कहलाएगा बोलो, यही सॉल्ट कहलाएगा। ओके बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम पे है, याद रखना यहाँ पे, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि ये जो अमाइंस है बेटा वो कैसी है, बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। अमाइंस कैसी है, बेसिक इन नेचर है। तो अब एक चीज समझ लो पहले कि भाई एसिड इसने क्या किया है, इसने सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है, ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है, मतलब जब हम आपने किसी बेस की रिएक्शन किसी एसिड से करा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये तो सबको पता है। तो इसी चीज को चेक करने के लिए हमने अमाइन की रिएक्शन किसी मिनरल एसिड से करा दिया, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट बना, ठीक है बेटा, जब ना सॉल्ट बना, तो इससे ये प्रूफ होता है कि अमाइंस कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है। बात समझ गए अच्छे से, कोई डाउट नहीं। अब इसी को अगर हम क्या करें, यही जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है इसी को अगर हम क्या कर दे NaOH और KOH के सॉल्यूशन में डाल दे तो ये फिर से वही अमाइंस बन जाता है। देखो कैसे, जैसे आपने जो ये जो बनाया है बेटा RNH3 प्लस एक्स माइनस, इसमें NaOH डाल दो, तो NaOH क्या करता है, NaOH तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का बहुत ही क्या करता है, बहुत ही अट्रैक्शन करता है, तो ये हाइड्रोजन को खींच लेगा, मतलब माइनस NaX निकल जाएगा,
और ये ओ एच और इसका एक एच प्लस निकल के वाटर का रिमूवल कर लेगा और बचेगा क्या आर एन एच टू बच जाएगा। तो जहाँ से आप चले थे वहीं पहुँच गए फिर से। तो ये भी एक ऐसे प्रॉपर्टीज है जो क्या बता रहा है कि एमाइंस कैसी होती है बेटा, बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है, चलो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये तो हम लोग को पता हो गया था बेटा कि अमाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर होती है। लेकिन अमाइंस तो तीन टाइप की होती है ना बेटा, कौन कौन सी? प्राइमरी मतलब आर एन एस टू, सेकेंडरी आर वन एन आर टू एच, और टर्सरी आर वन आर टू आर। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं? बेसिक इन नेचर होती हैं। अब एक को पता होगा बेटा कि ये जो अमाइंस हैं ये कैसी हैं, ये बेसिक इन नेचर है। लेकिन अब हमको ये चेक करना है बेटा कि जो अमाइंस हों ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई बेटा, ये कौन सी हो गई? ये टर्सरी हो गई। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस में कौन सा सबसे बेसिक है? तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आए थे बेटा। एक तो आया था बेटा कौन सा आपका, एक आया तुम्हारा जो है एसिडिक मीडियम उसमें गैसेस फेस में, और दूसरा किसमें आया था? एक्वस फेस में। तो गैसेस फेस में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने का एक ही तरीका है, प्लस आई इफेक्ट। तो आपको चेक करना है फाइंडिंग बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक फाइंडिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन पहले नंबर पे गैसियस फेस, दूसरे नंबर पे बेटा एक्वस फेस, एक्वस फेस अथवा गैसियस फेस में क्या करोगे आप? दोनों फेस में निकालोगे। तो गैसियस फेस में निकालने का किससे किससे निकालोगे? अब लिखोगे नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन गैसियस फेस। ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब इसको फाइंड आउट करने का एकमात्र तरीका है कौन सा? वी कैन फाइंड आउट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन विद द हेल्प ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के हेल्प से हम लोग अमाइंस को क्या कर सकते हैं, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो जैसे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला, यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट होगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ क्या बोलो? अमाइंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप कैसा होता है? प्लस आई इफेक्ट देता है कि नहीं देता? एग्जांपल इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने आर एन एच टू। ओके, एग्जांपल के तौर पे लिख लेना इसको आर एन एच टू, आर वन एन एच आर टू, इधर आर वन एन आर टू, इधर आर थ्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट आएगा, ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, और ये प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। अब तुम सोचो प्लस आई इफेक्ट का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देना।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी? थर्ड वाले में बढ़ेगी ना बेटा, थर्ड वाले मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इतनी हो गई, सेकेंड वाले में थोड़ी सी छोटी होगी, इसमें और छोटी हो जाएगी। तो देखो जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे, तो क्या होगा ऑर्डर क्या होगा बेटा इसका? तो थर्ड डिग्री जो अमाइंस होंगी वो क्या होंगी बेटा बताओ? थर्ड डिग्री अमाइंस इज मोर बेसिक देन सेकंड डिग्री से, और सेकंड डिग्री मोर बेसिक देन ये क्या है बेसिक स्ट्रेंथ है। बेसिक स्ट्रेंथ अब इस पे हमने क्वेश्चन तुमको पहले ही एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में पहले ही सिखा चुका हूँ, बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में तुमको बता चुका हूँ इसमें, तो एक बार उसको देख लेना। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सारे तरीके से इस चीज टॉपिक को पढ़ना बेटा, ठीक है ना, जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम। किसमें बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, क्या लिखोगे? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन कैसे चेक करोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने गैसेस स्टेट में देखा क्या कि थर्ड डिग्री देन सेकंड डिग्री देन फर्स्ट डिग्री, तो यहाँ पे जो है कैसे आप फाइंड आउट करोगे? वी कैन फाइंड आउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन विद द हेल्प ऑफ थ्री फैक्टर। कौन कौन से? पहला है बेटा प्लस आई इफेक्ट, दूसरा है सॉल्वेशन, और तीसरा है सॉल्वेशन में घुलना, और तीसरा है बेटा हिस्टेरिक हिंड्रेंस। क्राउडीनेस किसमें ज्यादा है? तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम में, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं, तो तीनों फैक्टर को आपको कंबाइन करना है बेटा। तो पहले देखते हैं प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया बेटा प्लस आई, यहाँ पे पहले एग्जांपल लिखो कि जो प्राइमरी अमाइंस होती हैं वो आर एन एस टू होती हैं बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आर वन एन एच ये आर टू हो जाएगा, और इधर आर वन आर टू और इधर आर थ्री। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन आर कौन सा हो जाएगा बेटा? थ्री डिग्री, टू डिग्री और वन डिग्री। जैसा कि मैंने वही बताया था यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा कम लगेगा, इसमें दो डायरेक्शन से लग रहा है बेटा प्लस आई इफेक्ट बोलो, और यहाँ पे तीन डायरेक्शन से लग रहा है। ओके बेटा, तो यहाँ भी इसलिए सबसे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं सॉल्वेशन की। सॉल्वेशन मतलब होता है घुलना,
पानी में घुल लो उसको, जिसको सॉल्वेशन एनर्जी सबसे ज्यादा जिसमें रिलीज होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा क्या होगा बेटा बोलो, वो क्या होगा ज्यादा बेसिक होगा बोलो, क्योंकि वहां पे ज्यादा बॉन्डिंग हो रही है, बात समझ रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे देखो कि R है, यहाँ पे N है, ये H है और ये H है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन से देखो इस हाइड्रोजन से वाटर बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, ऐसे भी वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऐसे, तो यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ये। तो यहां से देखो बेटा तीन डायरेक्शन में क्या होगा, तीन डायरेक्शन से बॉन्डिंग बन रही है, मतलब कि यहाँ पे जो सॉल्वेट प्राइमरी वाला ज्यादा अच्छे से होगा, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी वाले में देखो, सेकेंडरी वाले में क्या होगा बेटा, सेकेंडरी वाले में दो डायरेक्शन से क्या है, इसमें तो केवल कितने आ जाएंगे, यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पे भी दो वाटर मॉलिक्यूल आ रहे कि नहीं आ रहे बेटा, इसमें तीन है और इसमें क्या हो जाएगा बता दो, इसमें क्या हो जाएगा एन आर आर आर, तो यहां से केवल एक ही वाटर मॉलिक्यूल आ रहा ना बेटा, तो सॉल्वेशन किसमें ज्यादा हो रहा, इसमें ज्यादा हो रहा, तो इसके अकॉर्डिंग का जो आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो बेसिक स्ट्रेंथ आनी चाहिए बेटा वो कौन सी आनी चाहिए बोलो, तो कैसी आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन्स इज इक्वल टू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन क्या आना चाहिए बेटा बता दो, आना चाहिए फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री, ये आना चाहिए बोलो। ये तो थर्ड फैक्टर सेकेंड फैक्टर हो गया, अब हम चेक करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस अब चेक करेंगे बेटा, ये है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरफ इंक्रीजिंग आ जाएगा क्योंकि प्राइमरी ज्यादा बेसिक होगी, सेकेंडरी में थर्ड, प्लस आई इफेक्ट अकॉर्डिंग क्या होगा, सेकेंड थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग चेक करने क्या मतलब है, जैसे आपने लिखा है यहां पे आर तो यहां पे देखो बेटा, अब यहाँ पे क्राउडीनेस किसमें ज्यादा है, इसमें तो सबसे कम क्राउडीनेस है, केवल यही है, इसमें कितने हैं बेटा, एक ये हो गया, ये हो गया, तो इसमें कितने हो गए, तीन ग्रुप हो गए बेटा। तो इसके पास से जो अटैकिंग, इसमें अटैकिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है, H प्लस की मान लो अटैकिंग कराना है, तो ये यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, इसमें केवल कहाँ से होगी बेटा, H प्लस की अटैकिंग केवल आगे से होगी बस, ये यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ केवल क्या होगी H प्लस की, केवल यहाँ से हो सकती है। तो अब H प्लस मतलब क्या है, सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी, बात समझ रहे हो कि भाई H प्लस मतलब एसिड आएगा ना, बेस से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन है तो ये एसिड, H प्लस एसिडिक नेचर का होगा तो ये अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, अटैक यहाँ तो इजिली अटैकिंग हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, यहाँ पे और डिफिकल्टी होगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बेर बार क्राउडनेस ज्यादा है, तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इज प्राइमरी देन सेकेंडरी देन थर्ड डिग्री, ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो बेटा। अब ये देखो बेटा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, साइंटिस्टों ने इस ये सब तीनों चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी, तो ये सब चीजें आनी चाहिए, थ्योरेटिकली पहले कैलकुलेट किया फिर एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये डिपेंड करेगा कि आप आर को क्या लेते हो,
आपको किसको क्या लेते हो बेटा, आर मतलब एल्किल ग्रुप को क्या लेते हो, ये इस डिपेंड ऑन द एल्किल ग्रुप, ठीक है ना। तो यहां तो क्या लिखोगे, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस अकॉर्डिंग टू एल्किल ग्रुप, जैसे एल्किल ग्रुप में क्या ले रहे हो आप अगर आप C2S5 ले रहे हो ग्रुप अलग, और अगर आपने एल्किल ग्रुप CH3 लिया तो दूसरा ग्रुप अलग हो जाएगा, यानी कि दो अगर ग्रुप अलग अलग ले रहे हो तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने क्या लिया बेटा CH3 लिया, तो CH3 NH2 CH3 CH3 NH तो CH3 N CH3 CH3, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे जो आएगा फाइंडिंग करने का तरीका जो आएगा बेटा, ठीक है ना, वो किस तरीके का आएगा बेटा बोलो, वो आएगा तुम्हारा सेकेंड डिग्री वाला माइंस ज्यादा अच्छा आएगा बेसिक इन नेचर, फिर प्राइमरी वाला आएगा, फिर यहाँ पे थर्ड डिग्री। सबसे बेकार जो माइंस होगा बेसिक वाला वो थर्ड डिग्री होगा इन एक्वस मीडियम, ठीक है बेटा, इन एक्वस मीडियम। और इसी जगह पे अगर आपने क्या कर दिया बेटा C2S5 लगा दिया, मतलब अगर आपने CH3 का क्या लिखा C2S5 NH2, और इधर भी क्या लगा दिया C2S5 NH C2S5, और यहां भी क्या लगा दिया बेटा C2S5 N C2S5, इधर भी C2S5। तब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ऑर्डर, ये सेकेंड डिग्री तो रहेगा ही सेकेंड डिग्री, फिर आ जाएगा थर्ड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है, देखो सेकेंड डिग्री तो सब में कॉमन ही था, बात समझ रहे हो, सब में कॉमन था कि नहीं था भाई। एक्वस मीडियम में अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट क्या था बता, बताओ, वन डिग्री थर्ड डिग्री था, सेकेंड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन वन डिग्री टू डिग्री फिर थ्री डिग्री, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस वो कैसा वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री। तो इनमें देखा गया बेटा कि यहाँ पे देखो दो वाली जो पोजीशन वो दोनों में कॉमन है, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो। तो ये तीनों फैक्टर को देख के बताया गया कि जो सेकेंड डिग्री माइनस होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। फिर आपको दो दो के बीच सेलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट अकॉर्डिंग टू जो है एल्किल ग्रुप। तो ये तो हमेशा रहेगी कॉमन, ये कैसे रहेगी बेटा, हमेशा कॉमन रहेगी, ठीक है, ये जो सेकेंड डिग्री वाली रहेगी। अब तुमको बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है अकॉर्डिंग टू क्या बेटा एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो C2S5 का एल्किल ग्रुप मतलब क्या है, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर देगा ना, C2S5 के केस में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर देगा, तो इसीलिए थर्ड डिग्री आ जाती है। देन ये कब लगाया, जब आपने C2S5 को एल्किल ग्रुप लिया तब, और अगर आपने CH3 लिया है तो यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस, तब यहाँ पे सेकेंड डिग्री फिर प्राइमरी फिर थर्ड डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। ये किसके केस में आ जाएगा बेटा, ये CH3 के केस में आ जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, 100% बनता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखना बेटा, ठीक है ना, तरीके से याद रखना तभी आप इसको कर पाओगे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। 231 213 231 213 213 किस में आ जाएगा CH3 के केस में, 231 किस में आएगा C2S5 के केस में, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से देख पाओगे कि क्या है क्या नहीं है, ओके, सारी डिटेलिंग मैंने तुमको अच्छे से बता रखी है। ये था बेसिक नेचर, कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी अमाइंस का, ओके बेटा।
चलो अब हम चेक करने जा रहे हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इन एरोमेटिक एंड अमोनिया, अमोनिया के बीच दो चीज, अमोनिया के बीच और अमाइंस के बीच, अमोनिया और अमाइंस के बीच आप बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे। बेसिक लेवल बेटा बेसिक स्ट्रेंथ इन अमोनिया एंड अमाइन, ठीक है। जैसे मैं तुमसे लिखा हूं कि NH3 लिख दिया हूं बेटा, RNH2 लिख दिया हूं, इसमें बेसिक कौन सा होगा? तो देखो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, H है, ये H है, ये H है, यहाँ पे क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ R है, N है, ये H है, ये H है, यहाँ बना दो। तो देखो यहाँ पे ये है प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट कोई है नहीं, ठीक है ना, है क्या बेटा, कोई नहीं है। तो आप समझ जाओगे कि बेसिक कौन सी होगी ज्यादा, तो क्या लिखोगे, अमाइंस आर, अमाइंस आर, वो चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से अमाइंस मोर बेसिक होती हैं, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया, इस पे ये दूसरी है। अब चेक करेंगे हम एरोमेटिक अमाइंस एंड अमोनिया के बीच, देख लिखो, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ बिटवीन अमोनिया एंड एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइंस और अमोनिया के बीच आपको बेसिक स्ट्रेंथ को स्टडी करना है। कैसे करोगे बेटा, देखो ये है आपको एनिलीन है, जो क्या कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं बेटा, ये है एनिलीन, और ये अमोनिया है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ, अब इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जो अवेलेबल नहीं है, है क्या बेटा, नहीं अवेलेबल है, ये क्या होगा, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ऐसे बॉन्ड, रेजोनेंस की स्ट्रक्चर बना के देख लेना, इसमें क्या है बेटा अवेलेबल है, यानी कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहे, तो क्या होगा, तो अमोनिया इज अ मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस, तो क्या लिखोगे, अमोनिया is more basic than aromatic amine, aromatic amines, ठीक है बेटा, बात समझ गए। तो ये सब चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, इस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं, वो आपको करके भेजना है मेरे पास। Arrange the following into increasing order of basic strength, ठीक है, एक क्वेश्चन ये करना है आपको, एक क्वेश्चन ये करना है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये करना है।
ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके मेरे पे भेजना, ठीक है बेटा, मैं चेक कर लूंगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थैंक यू।